हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राजदीप प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉयड बिजनेस स्कूल के बारे में। तो जैसे आप सबको पता है कि मैनेजमेंट कोर्सेज का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि एक अच्छा एमबीए एंड पीजीडीएम कॉलेज अभी सर्च कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि आपको लॉयड बिजनेस स्कूल के बारे में हर एक चीज पता चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं अगर साउंड क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब है। ओके, तो उसको इग्नोर करिएगा और इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अगर मैं लॉयड बिजनेस स्कूल के बारे में बताऊं तो ये 2004 का कॉलेज है, ये एक प्राइवेट कॉलेज है और ये कॉलेज एफिलेटेड है बाय AKTU और इसको अप्रूवल मिला है बाय AICTE, NBA, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी के साथ अगर मैं कुछ हाईलाइट्स की बात करूं तो इस कॉलेज का कोलैबोरेशन है IBM के साथ। तो ये सारे कुछ कोलैबोरेशंस हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करूं तो 5 कोर्सेज ऑफर किया जाता है 4 स्ट्रीम्स में। एप्लीकेशन मोड यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अगर मैं टोटल फैकल्टीज की बात करूं तो 35 फैकल्टीज हैं यहां पर। एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो LMAT, लॉयड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर मैं अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं तो MAT, ZET, CMAT और GMAT के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो यहां पे डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो 10 एकड़ का ये कैंपस एरिया है। यहां पर आपको लाइब्रेरी, हॉस्टल फैसिलिटी, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, आपको हर एक फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। और मैं कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और इसी के साथ अगर मैं कुछ रैंकिंग्स की बात करूं तो इस कॉलेज को वैसे तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे स्क्रीन पे, ठीक है, सेकंड रैंक दिया गया है इन ग्रेटर नोएडा में 20 स्कूल्स के थ्रू। 12th रैंक दिया गया है नॉर्थ इंडिया में बाय द 20 स्कूल सर्वे। 30th रैंक दिया गया है इन इंडिया बाय द 20 स्कूल सर्वे। तो ये सारी कुछ रैंकिंग्स है, बाकी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। और अगर मैं बात करूं कि आप यहां पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर इसको क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अपना सारा डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करिए वहां पर, उसके बाद आपका सीट अलॉट किया जाएगा, बाकी आप फीस पेमेंट करके तो फिर आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और इसी के साथ अगर मैं कुछ प्रोग्राम्स की बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाया जाता है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में यहाँ पे BBA है। BBA का टोटल फीस यहाँ पे 3 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज पर ईयर। ओके, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करूं तो MBA है। MBA का टोटल फीस 3 लाख रुपीज है, 1.5 लाख रुपीज पर ईयर। इसके बाद आपको PGDM देखने को मिलता है। PGDM में आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, और फिर आपका PGDM का कोर ब्रांच। इसकी अगर मैं फीस की बात करूं PGDM के फीस की, तो PGDM का जो टोटल फीस है वो 6 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपीज पर ईयर। और इसी के साथ अगर मैं स्कॉलरशिप बताऊं कि यहाँ पे कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलता है, तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। उस समय आपका 10th प्लस 2 ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हैं उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। सेकंड स्कॉलरशिप है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द प्रोग्राम। आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के ऊपर आपको सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप दिया जाता है। ओके, एंड थर्ड है फाइनेंशियल असेसमेंट कम स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को दिया जाता है जैसे कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जिसके लिए आप अब तक इंतजार कर रहे हैं, वो है प्लेसमेंट, कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा जाता है। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर किया गया है BBA, MBA एंड PGDM को लेकर वो 12.20 LPA का है। और जो एवरेज पैकेज ऑफर किया जाता है वो 6.5 LPA का जाता है। और उसी में अगर मैं BBA की बात करूँ तो BBA का एवरेज प्लेसमेंट आपका 3 LPA का है। अब इसी के साथ मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ, ओके, कि 2022 और 2023 का बैच का प्लेसमेंट कैसा गया था। आप अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2012 टू 2014 का प्लेसमेंट रेशियो आपको दिखाया है 3 लाख टू 4.2 लाख रुपीज। और 2018 टू 2020 का जो प्लेसमेंट रेशियो है वो 4.3 टू 8.8 लाख का है। इसी के साथ यहाँ पर आपको समर इंटर्नशिप भी देखने को मिलता है। कुछ तो फ्री भी होता है, कुछ पेड भी होता है। पेड इंटर्नशिप्स आपको मंथली 15,000 टू 25,000 तक का देखने को मिलेगा। कौन कौन सा कंपनीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन ऑयल है, फ्लिपकार्ट है, डीकैथलॉन है, सुपर 77 है, श्रीराम ग्रुप है, टाटा स्ट्रीव्स है, TCS है। तो ये सारे कुछ आपको समर इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज है। अगर इसी के साथ अगर मैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं मैनेजमेंट कोर्स के लिए, तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज है। Amazon, Flipkart, Infosys, Wipro, HDFC बैंक, Snapdeal, ये सारे आपको टॉप रिक्रूटर कंपनीज देखने को मिल जाता है लॉयड बिजनेस स्कूल में। और अब हम बात कर लेते हैं कि कॉलेज में आपको कैसा कैंपस लाइफ मिलेगा। एज ए स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि किसी कॉलेज में एडमिशन ले तो आपको कैसा कैंपस लाइफ देखने को मिलेगा, तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये इसका फुल कैंपस है। तो इसी के साथ आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है। हॉस्टल फैसिलिटीज का फीस जो है वो 90,000 टू 1,10,000 रुपीज है। तो इस रेंज में आपको बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों मिल जाएगा कैंपस के अंदर। इसके अलावा आपसे मैं एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज के हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करते हैं। रीजन बहुत सारा होता है, हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता है, चाहे कोई बच्चा एक्सपोजर चाहता हो
ठीक है, तो आपको कॉलेज के बाहर भी आपको ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे पीजीज एंड हॉस्टल्स मिल जाएगा, तो वहां पर आपको मैं एक सॉल्यूशन बताना चाहता हूं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ओके, तो एक ऐप है ड्रीम प्रोवाइडर, आप उसको प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको मैं अभी स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूं। जैसे आप अभी होम पे जाएंगे तो आपको यहां पे लोकेशन सिलेक्ट करने को मिल जाएगा जिसमें ग्रेटर नोएडा है, वाराणसी है, प्रयागराज है, लखनऊ है। आप ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल या पीजी सर्च कर रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट करिए, तो यहां पे आपको कुछ टॉप 5 या 7 लोकेशंस मिलेगा, जैसे कि नॉलेज पार्क 3, बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, पाई, गामा। ये वो सारी लोकेशंस है जहां पर आपको कॉलेज देखने को मिलता है। तो आप जैसे वहां से अगर मैं नॉलेज पार्क 3 सिलेक्ट कर लिया, मैंने कंटिन्यू किया, तो आपको जितने भी यहां पे हॉस्टल्स पीजीज हैं वो आपको शो करेगा। जैसे कि गैलेक्सी रेसिडेंसी में सिलेक्ट करता हूं, तो उसके बाद फिर आपको यहां पे देखेगा कि 3 सीटर का 1,05,000 रुपीस है, 2 सीटर का 1,50,000 रुपीस है। फैसिलिटीज भी आप यहां पे चेक कर सकते हो कि क्या-क्या फैसिलिटीज है, वाईफाई कैंपस है, सीसीटीवी कैमरा है, तो ये सारी आप फैसिलिटीज चेक कर सकते हैं। ओके, फिर यहां पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहां के पीजी में बात करने के लिए आपका क्या फैसिलिटीज है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आप कॉलेज के बाहर अपना पीजी या हॉस्टल सर्च करना चाहते हैं तो। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं ड्रीम प्रोवाइडर। ओके, और इसके साथ मैं आगे फैसिलिटीज की बात करता हूं। आपको लाइब्रेरी देखने को मिलता है, आपको लैब फैसिलिटी मिलता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए आपको डिफरेंट लैब्स मिल जाते हैं, सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आपको एक अच्छा खासा यहां पे करिकुलर एक्टिविटीज देखने को मिलता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा कैंपस लाइफ यहां पे मिल जाएगा। तो ये था लॉयड कॉलेज के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था, बट इसी के साथ मैं आपको कुछ कंपैरिजंस भी बताना चाहता हूं कि इसके कंपैरिजन में और कौन-कौन से कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में आपको बीबीए एमबीए के लिए आपको एक कॉलेज देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है मंगलमय, तो इसके कंपैरिजन में आप मंगलमय को भी चेकआउट कर सकते हैं। और पीजीडीएम कोर्स के लिए आपको जीएनआईटी देखने को मिल जाएगा, आप जीएनआईटी को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोनों कॉलेज का वीडियो मैंने बना रखा है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले थोड़ा कंपेयर कर लीजिए। तो यही था आज का डिटेल्स जो मैं आपको बताना चाहता था लॉयड कॉलेज के बारे में। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपका कोई और डाउट बच जाता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा या फिर एक नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहाँ पे कर पाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स, लव यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।